मेरा नाम रोहित है और आज मैं आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहा हूँ सिग्मा का एक मल्टीमीटर। ये एक स्मार्ट मल्टीमीटर है। अब स्मार्ट तो हमने सिर्फ मोबाइल के बारे में ही सुना है और किसी चीज़ के बारे में नहीं सुना है। लेट्स सी, ये स्मार्ट मल्टीमीटर क्या होता है जो उन लोगों ने अब नया लॉन्च किया है? तो आइए इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं और क्या ये असल में स्मार्ट है, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आइए इसकी डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करते हैं। ये पूरा बॉक्स जैसे कि इन लोगों ने दी है सिग्मा का, और आइए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो ये एक मल्टीमीटर है इसके अंदर। इसके अंदर एक लीड सेट है और एक है इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो ये एक स्मॉल हैंडी पॉकेट साइज मल्टीमीटर है और इस पे लिखा हुआ है, ये इसकी ओपनिंग करते हैं। इस पे लिखा हुआ है सिग्मा SD24S स्मार्ट। ये स्मार्ट मल्टीमीटर है, काफ़ी हैंडी और क्यूट सा लुकिंग है इसका। इसके अंदर कोई स्विचिंग वगैरह कुछ भी नहीं दी है, और जहाँ तक मैंने सिग्मा वालों से बात भी करी है तो उन लोगों ने मुझे क्लियरिफाई किया है कि ये एक स्मार्ट मल्टीमीटर है और ऑटोमेटिकली डिटेक्टअप कर देता है कि वोल्टेज एसी या डीसी, करंट एंड रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ। तो आइए इसकी डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये असल में ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि जिस हद तक यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये स्मार्ट मल्टीमीटर है, तो आइए देखते हैं ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है नहीं, फिर हम वीडियो के एंड में क्लेरिफाई करेंगे इसको कि हाँ ये असल में स्मार्ट है या नहीं। तो ये मल्टीमीटर है स्मॉल हैंडी सा। इसके अंदर मैंने बैटरी इंसर्टअप कर दी है, बैटरी इसके साथ में ही मिलती है। तो 2 AAA साइज़ की बैटरीज हैं जो साथ में मिलती हैं, मैंने इंसर्ट कर दी है। और इसके साथ में पहले एसेसरीज भी देख लेते हैं हम लोग। इसके साथ में एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है और एक लीड सेट का है। लीड सेट भी क्वालिटी जो है काफ़ी डिसेंट है और क्वालिटी का काफ़ी अच्छी है जो लीड सेट प्रोवाइड करते हैं सिग्मा के साथ में मल्टीमीटर्स एंड क्लैम मीटर्स के। तो क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है, उन लोगों ने सही चीज़ लॉन्चअप करी है। तो आइए इसको ऑन करते हैं पहले। जी हाँ, ये ऑन हो गया और इस पर लिखा आ रहा है ऑटो। ऑटो मीन्स ऑटो रेंज, किस तरीके से ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर वगैरह करता है। तो आइए इसका मैं अब डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करता हूँ। लीड सेट ओपन कर लेता हूँ इसकी और इसकी डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करता हूँ। टेस्टिंग शुरू करते हैं। टेस्टिंग शुरू करने से पहले मैं मैनुअल आपको दिखा देता हूँ उसका। ये मैनुअल है और इसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं किस तरीके से आपने यूज़ करना है और क्या इसके स्पेसिफिकेशन हैं। जहाँ तक यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये 1000 वोल्ट्स डीसी का है एंड एसी वोल्टेजेस अराउंड 750 वोल्ट्स। मैं 2 मिनट फोकस में ले आता हूँ। ओके, हाँ जी, ये 1000 वोल्ट डीसी है एंड देन एसी वोल्टेज इज 750 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इज अप टू 60 मेगा ओम एंड एसी डीसी करंट इज अप टू 10 एम्पियर, यहाँ पर क्लेरिफाई किया है इन्होंने। और कैपेसिटेंस रेंज इज अप टू 60 मिली फैरड। तो इसमें कंटिन्यूटी भी है, यहाँ पे देखिए इसमें कंटिन्यूटी के बाद लिखा हुआ है कंटिन्यूटी एंड NCV मीन्स नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्शन पार्ट भी है इसके अंदर। तो नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्शन के पार्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और सारी डेमोन्स्ट्रेशन भी अब इसकी शुरू करता हूँ। ये फिलहाल ये लीड सेट मैंने इंसर्ट अप कर दी है, इस तरह से इसके ऊपर कवर भी लगा हुआ है, तो हम कवर इसका निकाल के यूज़ करेंगे। मेरे पास काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं जिससे मैं एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, इवन रेजिस्टेंस भी मैं चेक करूँगा कि रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है नहीं। मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ भी किया है और क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है इसकी। अंदर से सर्किट्री भी काफ़ी डिसेंट और बहुत अच्छी है, स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट साइज़ में बनाया है। जिसने भी जो हमारे फ्रेंड्स हैं फील्ड वर्क वगैरह करते हैं
तो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, उनके ब्रीफ केस में, उनके केसिंग में आराम से जा सकता है, और वो काफ़ी इजीली यूज़ कर सकते हैं इसको। ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं स्विचिंग की प्रॉब्लम। कभी कभार मेजरली जो प्रॉब्लम्स आती हैं मल्टीमीटर्स ख़राब होने की, वो हमेशा यही होती हैं कि हम गलत रेंज में गलत यूज़ कर लेते हैं। जैसे रेजिस्टेंस में हमने एसी वोल्टेज देख लिया या डीसी वोल्टेज देख लिया, तो वो रेंज ख़राब हो जाती है, पीसीबी बर्न अप हो जाते हैं, या फ्यूज़ेस दिए होते हैं तो फ्यूज़ेस ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें ऑटोमेटिकली है व्हाट से मतलब इस तरह से इसको कहा जा रहा है कि स्मार्ट मल्टीमीटर है। तो आइए मैं इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी शुरू करता हूँ। मेरे पास एक बैटरी है, और बैटरी जो है ये 9 वोल्ट DC है। अब यहाँ पर आपने जो रखना है दैट इज़ ऑन कॉम एंड ऑन वोल्टेज, तो यहाँ पर कॉम और वोल्टेज में रख दिया है। और अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको पहले बताना चाहूँगा, वोल्टेज पार्ट के लिए इन लोगों ने वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस पार्ट के लिए आपने इस और इस पॉइंट पे रखना है, और आप नॉर्मली चेक कर सकते हैं। जब हम करंट सेक्शन पार्ट में जाएंगे तब हमारे को ये स्विच सेलेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद ही हम लोग करंट चेक कर पाएंगे। अदरवाइज करंट के लिए हमारे को ऑटोमेटिकली इसके अंदर डिटेक्शन नहीं होगी, हमारे को करंट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं आगे आपको वीडियो में दिखाता हूँ उसकी स्क्रीन पर। तो आइए पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि डीसी वोल्टेज कैसे चेक कर रहे हैं, कि ऑटोमेटिकली डीसी चेक कर लेता है या नहीं कर लेता है। अब ये न्यू बैटरी है अराउंड 10 वोल्ट्स की, तो ये बैटरी बिल्कुल परफेक्टली दिखा रहा है कि वोल्टेज ऑटोमेटिकली इसे डिटेक्ट कर ली, और रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत फास्ट था। यहाँ पर इसके एक बैकलाइट भी है, काफ़ी अच्छी बैकलाइट है इसकी, एंड होल्ड बटन भी साथ में, अगर अपने रीडिंग होल्ड करनी है या कुछ तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब बट इसके अंदर वोल्टेज का एक ये भी है, हम लोग मिली वोल्ट वगैरह में यूज़ नहीं कर सकते। मैंने इसको चेक किया है 0.8, यहाँ पर मैनुअल के अंदर जिस तरह से लिखा हुआ है टू मेजर द एसी डीसी वोल्टेज इट शुड बी ग्रेटर देन 1 वोल्ट, बट मैंने देखा है कि 0.8 वोल्ट तक ये मेज़र कर रहा है, 0.8 वोल्ट के नीचे ये नहीं मेज़र करेगा, मीन्स इन मिली वोल्ट्स में ये मेज़र नहीं करेगा, आपको रिजल्ट्स नहीं दिखाई देगा। तो बेटर है कि आप दूसरा मल्टीमीटर देख लीजिएगा अगर आपको मिली वोल्ट्स में काम है। बाकी वोल्टेजेस की ही मेनली हमारे को काम होते हैं, 5 वोल्ट्स, 24 वोल्ट्स, 12 वोल्ट्स के जो भी काम है ये बहुत ईजीली करेगा। सो लेट्स सी, अब इन्होंने जिस तरह से बताया था कि ये स्मार्ट मल्टीमीटर है, तो अब इसको सीधा ही हम लोग एसी पे लगा के देखते हैं, लेट्स सी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट अप करता है या नहीं करता। ओके फाइन, ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर गया है, मेरे शायद कनेक्शंस प्रॉपर नहीं हो रहे हैं। ऑटोमेटिकली ये एसी पर ले गया है और इसने डिटेक्शन करके आपको बता रहा है कि कितनी वोल्टेज है। इट इज़ कमिंग आउट टू बी 234.7, तो ये 6000 काउंट्स का है, एक्यूरेसी भी परफेक्ट है, एंड आपको डिजिट्स भी आप देख सकते हैं 234.5 दिखा रहा है, तो मीन्स 0.1 का इसमें लीस्ट काउंट भी हमारे को मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड। एंड जिस हिसाब से क्वालिटी है उस हिसाब से इसकी रेंज के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी काफ़ी परफेक्ट है। एंड ये एक ट्रू आरएमएस मल्टीमीटर है, ये मैं आपको बताना भूल गया था, ये एक ट्रू आरएमएस मल्टीमीटर है, तो एक्यूरेसी इन वोल्टेज एसी एंड करंट एसी आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलेंगी क्योंकि ट्रू आरएमएस है। अब इसके अंदर मैं आपको रेजिस्टेंस भी है मेरे पास कुछ, लेट्स सी मैं आपको कुछ ये रेजिस्टेंसेस भी चेक कराता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट अप कर रहा है नहीं कर रहा है। जी हाँ, 9.89, 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, ऑटोमेटिकली परफेक्टली इसने दिखा दिया है। देन मेरे पास एक दो और रेजिस्टेंसेस हैं, ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है, और रिस्पॉन्सिव मैं काफ़ी देख रहा हूँ, काफ़ी काफ़ी फास्ट है इसका। जी हाँ, 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है और बहुत अच्छी तरीके से देख लिया है, बैकलाइट भी बहुत काफ़ी सुंदर है, और बैकलाइट का मैं एक ये पार्ट भी देख रहा हूँ कि ये ऑटोमेटिकली ऑफ अप नहीं हो रही है, ये ऑन पड़ी है बैकलाइट।
जिससे हम कभी भी डार्क एनवायरनमेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं, तो ये हम काफ़ी आराम से इसके अंदर रीडिंग्स वगैरह ले सकते हैं। एंड इसके ऊपर एक लाइट भी दी गई है, लाइट सोर्स, कि अगर हमने कहीं टॉर्च वगैरह शॉर्ट में भी यूज़ करना है तो भी हम लोग इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये था इसका ये वाला पार्ट, जिसमें हम एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज एंड रेजिस्टेंसी एंड इवन कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी भी काफ़ी बजर आप शायद सुन पा रहे हो। काफ़ी अच्छी साउंड भी आ रही है इसके अंदर, तो बज़र की क्वालिटी भी अच्छी है एंड ऑटोमेटिकली सब कुछ डिटेक्ट कर लिया है। तो क्वालिटी वाइज मैं ये कहूँगा एसी एंड डीसी वोल्टेज ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। जो हमारी दूसरे मल्टीमीटर्स में घबराहट होती थी, वो घबराहट हमारे को नहीं मिलेगी, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट अप कर लेगा और उड़ने के चांसेस, ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो लेट्स सी, अब इसके अंदर मैं आपको करंट का भी पार्ट दिखाऊंगा कि करंट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है या नहीं और किस तरह से इसकी करंट को सेटिंग चेक करनी है। तो आइए, करंट के लिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि कॉमन पॉइंट तो सेम ही रहेगा, बट ये वोल्टेज का पॉइंट यहाँ से हटा के हमारे को यहाँ पे रखना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पर आप देखेंगे एक सिलेक्ट का बटन है जिसमें लिखा है नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज, कैपेसिटेंस का साइन है ये, एंड देन इट इज़ एम्पियर। तो ये बटन हमारे को दबाना पड़ेगा इवन हमारे को चेक करने के लिए। नैनो फैरेड में आ गया है, मीन्स कैपेसिटेंस रेंज में, देन इट इज़ इनटू एम्पियर। तो ये ऑटोमेटिकली इसने सेट कर दी है सारी रेंज, और वैसे तो डीसी करंट पे है मगर आप एसी भी करेंगे ऑटोमेटिकली डिटेक्टअप कर लेगा। मैं इसको चेक कर चुका हूँ। तो मेरे पास अब ये बैटरी है एक, तो इस पर मैं चेक कर लेता हूँ कि ऑटोमेटिकली ये करंट कितना बता रहा है। तो ये एक नई बैटरी है, तो ये अराउंड 1 पॉइंट कोई अराउंड 1 एम्पीयर करीबन है इसका रिजल्ट। तो दिखा रहा है कि करंट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके कि 1 एम्पीयर की बैटरीज हैं। एंड देन कमिंग ऑन टू द जो नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज पार्ट है और जो कैपेसिटेंस पार्ट है, फर्स्टली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मुझसे किसी ने पूछा था कि व्हाट इज़ NCV। NCV का फुल फॉर्म है नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्शन। तो नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्शन का मतलब होता है कि कहीं पर भी कोई वायर में करंट फ्लो अप कर रहा है तो ये सेंसअप कर सकता है उसको, कि अगर लेट्स सी कोई एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और अंदर से कहीं ब्रेकअप है, तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी वायर कहाँ किस पॉइंट तक करंट फ्लो कर रहा है, वोल्टेज फ्लो कर रही है, अदरवाइज उसमें दूसरी साइड में नहीं कर रही है, तो आपको दिखा सकता है। यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट NCV का मतलब ये नहीं है कि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आपको बता देगा कि कितनी वोल्टेज अंदर चल रही है वायर के। तो ये इस पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैं अब लेके जाता हूँ, दैट इज़ EF आ गया है। तो लेट्स सी कि यहाँ पर तो ये बता रहा है यहाँ पर वोल्टेज है, और यहाँ पीछे हो जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर नहीं है, और जहाँ पास में आप लेके जाएंगे तो वोल्टेज डिटेक्शन पार्ट दिखा देगा कि यहाँ पर वोल्टेज ट्रैवल कर रही है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी डिसेंट मल्टीमीटर है। इसको मैंने यूज़ किया फील्ड वर्क के लिए, काफ़ी अच्छा है। इसका जो मैं प्रोज बता दूं आपको, गुड पॉइंट्स जो हैं, जो मैंने हाईलाइट सेट किए हैं, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट अप करता है, सर्किट अच्छा है, प्रोटेक्शन अच्छी है इसके अंदर मल्टीमीटर के लिए, फील्ड के अंदर काफ़ी अच्छा है, हैंडी है, कॉम्पैक्ट है, ब्राइट LCD है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। जो अगर मैं कॉन्स की बात करूँगा कि बस यही है मेरे को इसके अंदर जो पॉइंट लगा, एक तो इसके अंदर फ्रिक्वेंसी नहीं थी, वो मेरे को लगा कि फ्रिक्वेंसी भी हो जाती, बट उन लोगों ने कहा कि अभी हम लोगों ने ये लॉन्च किया है, लेट्स सी हम आगे फर्दर स्टेजेस पे उस हिसाब से भी लेके जाएंगे। और एक पॉइंट ये मेरे को लगा कि जब मिली वोल्ट की रीडिंग है तो मिली वोल्ट्स में हम लोग मेज़र नहीं कर सकते इसके अंदर, तो लेस देन 1 वोल्ट हम लोग मेज़र नहीं कर सकते इसके अंदर। बाकी उसके लिए जो ऊपर की रेंजेस है, 1000 वोल्ट DC एंड अप टू 750 वोल्ट AC तक हम लोग इसको मेज़र कर सकते हैं, और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं।
काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। मतलब ये कह सकता हूँ आज की डेट में जो उन्होंने लॉन्च किया है काफ़ी सोच समझ के। एंड असल में जो मैं जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ये एक स्मार्ट मल्टीमीटर है, इसको हम लोग स्मार्ट मल्टीमीटर कह सकते हैं कि जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आपको सारी चीज़ें बताए। इस वीडियो में इतना ही। कुछ आपके पास क्वेश्चंस हो तो ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मैं आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो जल्दी से जल्दी जवाब देने की करूँगा। थैंक यू।